हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 चल रहा था, क्लीनिनेस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसी में आज आगे हम बढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन। इन मॉडर्न टाइम इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड केयरलेसनेस टुवर्ड्स एनवायरमेंट पॉल्यूशन हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट। वर्तमान समय में शहरीकरण, औद्योगिकरण और लोगों की लापरवाही के कारण जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि सॉलिड वेस्ट ठोस कचरा बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू दिस अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफन स्प्रेड इन सिटीज। टू इरिगेट दिस प्रॉब्लम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड इन अर्बन एरिया, जिसके कारण शहरों में गंदगी जनित बीमारियाँ फैलने लगी है। इस समस्या से को दूर करने के लिए शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन लॉ आर फॉर्म्ड इन लंदन इन 1857 ई। पब्लिक एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन लॉ सबसे पहले 1857 में बन गया था, वॉज फ्रेम इन लंदन। और कहाँ पर? लंदन में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट वॉज मैंडेटरी फॉर ऑल द फैमिली टू डिस्पोज ऑफ देयर डोमेस्टिक वेस्ट इन कवर्ड डस्टबिन। और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जरूरी कर दिया गया था हर परिवार के लिए कि वो जिस डस्टबिन पर कवर्ड हो, उसमें ही अपना कचरा फेंके। टिल नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज लिमिटेड टू अर्बन एरिया ओनली। प्रेजेंट टाइम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम सिटीज तक ही सीमित है। ओनली इन अर्बन एरिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव इंक्लूडेड द वर्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सर्विसेज। शहरी क्षेत्रों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जो विस्तृत कचरा है उसको निस्तारण यानी डिस्पोज करने का काम करता है, उसके लिए अपनी सेवाएँ देता है। मतलब कैसे उन वेस्टेज को हटाया जाए। सॉलिड वेस्ट रेफर टू ड्राई एंड वेट अनयूजबल गुड्स। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सूखे और गीले कचरे को अलग किया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम हाउसेज, जैसे कि घरों में से जो मिलता है गीला और सूखा कचरा, इंस्टीट्यूशन से पील्स ऑफ वेजिटेबल्स के छिलके एंड फ्रूट्स, एग शेल्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर पैकिंग मटेरियल्स, बॉक्सेस, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक वेज, बैटरी सेल्स, बल्ब, ब्रोकन थर्मामीटर्स, पॉइजनस मटेरियल्स, ये सारे क्या हैं? सॉलिड वेस्ट में यानी कचरे में आते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल एंड एक्सप्लोसिव आर इंक्लूडेड इन सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर टू सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है सॉलिड वेस्ट को किस तरह डिस्पोज किया जाए और उसको कैसे रीयूज किया जाए, रीयूज एंड रीसाइकल एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एनर्जी, और कैसे उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए विदाउट एनी अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जिससे कि एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़े एंड पब्लिक हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड वेरियस सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट लॉ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई कानून बनाए हैं। अंडर द न्यूली फॉर्म्ड लॉ, नए कानून के तहत द स्टेट हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग सजेशन एंड रिसोर्सेज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू लोकल बॉडीज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। एंड दे शैल ऑल्सो मेक द फैसिलिटीज अवेलेबल रिगार्डिंग to the use, development and new researches for solid waste management। इस प्रोग्राम के तहत राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इनको अर्बन और रूरल एरिया में इनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए कि कैसे इन कचरे का यूज़ किया जाए, कैसे डिस्पोजल किया जाए और कैसे इसका न्यू रिसर्च और नए नए सुझाव वगैरह दिए जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है कि कैसे इनके उपयोग की सुविधा उपलब्ध की जाए, कैसे संसाधन उपलब्ध कराया जाए और कैसे इस ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाए। इस सब चीज़ों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको।
ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन इन सिटीज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण कच्चे उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन सिटीज विद द पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे एक सिटी में 1 लाख से 5 लाख तक पॉपुलेशन हो गई है, तो 210 ग्राम वेस्ट पर पर्सन, इतना कच्चा पर पर्सन का होता है, पर डे इज जनरेटेड इन सिटीज विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 5 लाख 500 ग्राम्स वेस्ट पर पर्सन पर डे इज जनरेटेड। तो प्रतिदिन 210 ग्राम कचरा प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। 5 लाख से अधिक जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ 500 ग्राम कूड़ा प्रति व्यक्ति दर से उत्पादन होता है। अब है प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिसर ऑफ द अर्बन डिपार्टमेंट हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल हु हैंडेड ओवर द टास्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। जनता द्वारा जो निर्वाचित शहरी निकायों के जनप्रतिनिधि, जो से हमारे वार्ड बने होते हैं उसमें भी पार्षद होता है, ऐसे ही जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, उन अधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य जो इन जो नगर परिषद नगर पालिका जो है इनमें जो नियुक्त है मुख्य सफाई निरीक्षक, ये पोस्ट का नाम है सैनिटेशन इंस्पेक्टर, मुख्य सफाई निरीक्षक को सौंप दिया गया है कि उसके अंडर में ये काम होएगा साफ सफाई का। सैनिटरी वर्क आर अपॉइंटेड ऑन डेली और कॉन्टेक्ट बेसिस ऑफ कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द हाउसेज हॉस्पिटल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट एंड ब्रिंग इट वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स। और इसके तहत उनको ये ड्यूटी है कि नियमित और ठेका पद्धति कॉन्टेक्ट बेस में सफाई कर्मचारी को लगाया जाएगा, जो घर के कूड़ों जो कचरा होता है घरों अस्पतालों या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लाकर जो कूड़ा संग्रहण केंद्र पर एकत्रित करते हैं, मतलब एक जो कॉर्पोरेशंस में सैनिटरी वर्क अपॉइंटेड टू डेली कॉन्टेक्ट बेसिस द कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम हाउस हॉस्पिटल एंड अदर ब्रिंग टू वेस्ट कलेक्शन सेंटर। यहाँ पे वो अलग अलग जगह से लाकर कूड़े को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेस्ट कलेक्ट सेंटर। यहाँ से जो है वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सेंटर, और वेस्ट को सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सेंटर पर ले जाता है थ्रू वेरियस मोड सच एज कन्वर्टेड ट्रक्स, ओपन ट्रक्स या ट्रैक्टर ट्रॉलीज के द्वारा कचरा यहाँ ले जाता है हाउस कार्ट। एट द वेस्ट डिस्पोजल सेंटर्स वेस्ट इज डिवाइडेड इंटू वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेसेज ऑफ प्रोडक्शंस। यहाँ पे अलग अलग कचरे को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक कचरे को अलग किया जाता है यानी घरेलू कचरे को, वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल उसको अलग किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को अलग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल यूज़ को अलग किया जाता है, वेस्ट फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दे आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैम। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल्स, पेपर, बैटरीज, हैजर्डस सब्सटेंस, हैजर्डस यानी जो नुकसान पहुंचाने वाली जो कचरा है उसको अलग किया जाता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस, एक्सप्लोसिव, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, क्योंकि ये औद्योगिक स्थानों से ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो कचरा मिलता है ये प्रदूषण फैला सकता है। सब्सटेंसेस विच स्प्रेड इन्फेक्शन डिजीजेज एक्स्ट्रा आर डिस्पोजल इन सेपरेट वे, इनको अलग किया जाता है। इसलिए मेजर्स फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठोस कचरा निस्तारण के उपाय। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक सेवरल मेजर्स अंडर द प्रोग्राम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर। ठोस कचरा प्रबंधन की योजना में नगर निकायों द्वारा जो अलग अलग उपाय किए गए हैं उनमें से हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट है वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज, कचरे को कम करना और उसको पुनः प्रयोग करना, रिडक्शन यानी कम करना, एंड रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडिंग मेजर्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अगर जो कचरा है उसको कैसे रीयूज किया जाए ये बताया जाता है। इन रिडक्शन बोर्ड द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आस टू जनरेट लेस वेस्ट, इसमें जो उत्पादनकर्ता और कंज्यूमर करता दोनों को ये बताया जाता है कचरा कम से कम करें। फॉर एग्जाम्पल लेस पैकिंग, कम पैकिंग करें, लेस यूज़ ऑफ बैग, कम प्लास्टिक बैग का यूज़ करें, पाउचेस
एंड कवर्स एक्सेट्रा एंड टू यूज बैग मेड ऑफ क्लॉथ और कपड़े का बना हुआ बैग का यूज़ करें एनी अदर रीयूजेबल मटेरियल अंडर द प्रोसेस ऑफ रीयूज पीपल आर मेड अवेयर ऑफ परचेज रीयूजेबल आइटम्स फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ऑफ अनवॉन्टेड आइटम्स सच एज क्लॉथ नैपकिन प्लास्टिक गुड्स ग्लास यूटेंसिल एक्सेट्रा दे शुड बी बरीड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन टू पीपल है चैरिटी में जैसे कपड़े वगैरह है इनको आप डोनेट कर सकते हो ताकि वो या फिर इसको जला सकते हो ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचे या किसी को दान दे सकते हो। अब है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कचरे का पुनः चक्रण यानी दोबारा उसका यूज़ किया जा सकता है कैसे एनर्जी वे में। रिसाइकलिंग रेफर्स टू यूज वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इंटू यूजफुल रॉ मटेरियल एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट। There are three levels in the process of recycling. Identifying recycling substances and metals are collected waste and collecting them separately. Making raw material from collected substances or metals. Making new item from raw material. इसमें यह बताया जाता है कि कचरे को उपयोगी माल के रूप में काम में लिया जा सकता है कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है इसको क्या कहना है recycling यानी पुनःचक्रण। पुनः चक्रण में थ्री स्टेज होते हैं इसमें से क्या होता है कि जो कचरा होता है उसको छांट के अलग अलग करते हैं जैसे कि धातुओं मेटल्स को अलग करना प्लास्टिक को अलग करना उसको वापस रॉ मटेरियल के रूप में काम में लेना जैसे अखबार वगैरह है इनको कच्चे माल से नए उत्पाद बनाना। थर्ड है वेस्ट कलेक्शन कचरा संग्रह स्पेशल वेस्ट एंड रिसाइकेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड बाय द वर्कर अपॉइंटेड बाय लोकल कॉरपोरेशन इन सिटीज ट्वाइस इन अ वीक। शहरों में जो लोकल बॉडीज होती हैं जैसे नगर परिषद नगर पालिका इनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा विशेष गंदगी वाले कचरे या पुनः चक्रे कचरे को हफ्ते में दो बार कलेक्ट करना चाहिए। वेस्ट विच आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हाउस फ्लाइज एंड वेस्टेज विच इमिट फाउल ऑडर्स ऑफ द वेस्ट स्प्रेड इन ओपन शुड बी कलेक्टेड एंड रिमूव्ड एज द सून एज पॉसिबल। ऐसे कचरे जो मक्खियों के प्रजनन आश्रयों या बदबू फैलाते हैं या खुले में पहले कचरों को शीघ्रता से उठवाया जाए ताकि कहीं बीमारियां ना फैले। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल उपचार और निस्तारण डिस्पोजल यानी उसका कैसे उसको दूर किया जाए प्रॉब्लम्स को निस्तारण। टेक्निक्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम रिसर्च ऑफ मॉडिफाइड मैनेजमेंट इन सच फॉर्म सो डैट द क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बिकम लेस एंड वेस्ट डिस्पोजल बिकेम ईजी। कचरा उत्पादन तकनीकी ये खोज करती है कि प्रबंधन फॉर्म को बदल कर कचरे की मात्रा को कम किया जाए जिससे कि कचरा निस्तारण यानी डिस्पोजल का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए और निस्तारण की विधियाँ कमरे कचरे की मात्रा प्रकार रचना के प्रयोग के में प्रयोग लिया जाए मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है किस तरह का है ये ध्यान रखा जाए। जैसे प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी है किस टाइप का है कैटेगरी इसका है ये ध्यान रखा जाए। फॉर एग्जांपल वेस्ट डिस्पोजल इन हाई टेम्परेचर बाय बर्निंग इनसाइड द ग्राउंड एंड बाय अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक प्रोसेस जैसे कि उच्च तापमान पर जमीन में दबाना या जैविक प्रक्रिया अपनाकर उस कचरे को वापस प्रयोग करना कचरे का निस्तारण करना ये सारे इनके जो विकल्प चुने जाते हैं। सुटेबल ऑल्टरनेटिव इज चूजन फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फाइनल फॉर्म ऑफ द वेस्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अडॉप्टेड रिसाइकलिंग प्रीसिंग एंड आफ्टर यूजिंग सॉर्टिंग द मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें ये बताया जाता है कि कचरा का अंतरिम रूप देने के लिए तकनीकी कम करना पुनः चक्रण करना पुनः उपयोग कर दबाना में से ये टेक्निक काम में ली जाती है कि अगर ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक है या मेटल है नॉन मेटल प्लास्टिक है किस तरह से है उसका कैसे दोबारा यूज किया जा सकता है कैसे उसको डिस्पोज किया जा सकता है ये बताया जा सकता है। अब है इनक्लिनेशंस यानी भस्मीकरण। इनक्लिनेशन इज अ मेजर कॉमन थर्मल प्रोसेस वेस्ट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब भस्मीकरण एक प्रोसेस है मतलब एक थर्मल प्रक्रिया है जिसमें
कचरे का जो जलाया जाता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किया जाता है। आफ्टर इंसिक्लेशंस वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट स्ट्रीम्स एंड रेस्ट दिस प्रोसेस फॉर्म ए सोर्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड पानी की भाप और राख में बदल जाता है और ये तरीका एनर्जी की रिकवरी का साधन है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड हीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इंसिनरेशंस इज एन एडिशनल प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीजिंग ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ मीथेन अ ग्रीन हाउस गैस इज डिक्रीज थ्रू द दिस प्रोसेस। यह जो टेक्निक है इसमें एनर्जी को रिकवर किया जाता है इसका और इस एनर्जी को बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है और इसके अतिरिक्त ये जैसे एनर्जी को रिकवर किया जाता है और इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशंस भी कम लगता है और ग्रीन हाउस गैस मीथेन की उत्पादन की मात्रा को कम किया जाता है। अब है गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस। गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस बोथ आर द केमिकल थर्मल प्रोसेस एज सेम। गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस दोनों ही थर्मल प्रक्रिया है। अंडर दिस प्रोसेस इस प्रक्रिया के तहत एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट आर सेग्रेटेड एट हाई टेम्परेचर। इन गैसिफिकेशन वेस्ट इज बर्नड इन रीजन विथ लेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटीज। इन पायरोलिसिस वेस्ट इज बर्नड इनटू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कचरे का जो होता है हाई टेम्परेचर पर डिस्पोज किया जाता है। गैसीकरण में कचरे का दहन ऑक्सीजन के क्षेत्रों में किया जाता है और पायरोलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है। दिस टेक्निक यूज इन एरिया ऑफ लेस एंड नो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। पायरोलिसिस लिक्विड इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सेस ऑफ कम्बस्टेबल एंड नॉन कम्बस्टेबल गैसेस और दहनी और बिना दहनी गैसों के मिश्रण से पायरोलिसिस द्रव पैदा किया जाता है। एक प्रोसेस है पायरोलिसिस। वन यूनिक करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पायरोलिसिस डेट एनर्जी कैन बी रिप्लेस्ड विदाउट कॉजिंग एनी एयर पॉल्यूशन। इस प्रोसेस के तहत वायु प्रदूषण किए बिना ही ऊर्जा का पुनर्भरण किया जा सकता है। अब है हमारा आगे मैनेज एडवांटेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ एनवायरनमेंट एंड बायोटिक सिस्टम गेट बेनिफिटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया से जन स्वास्थ्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। पब्लिक ऑपरेशन इज वेरी नेसेसरी इन दिस एक्सरसाइज और इस प्रक्रिया में जन सहभागिता का बहुत महत्व है। एट प्रेजेंट सफिशिएंट टेक्निक एक्सपर्टीज एंड फाइनेंस आर अवेलेबल टू इरिगेट द प्रोग्राम प्रॉब्लम्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। वर्तमान में इतनी तकनीक क्षमता और आर्थिक क्षमता उपलब्ध है कि इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। विच विल प्रोड्यूस गुड लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज जैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। पहला है फॉर फायर एक्सीडेंट स्प्रेड ऑफ रैट स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन डिजीजेज स्ट्रे एनिमल्स कैन बी आल्सो बी कंट्रोल। जैसे प्रेजेंट टाइम में अग्नि दुर्घटना चूहे फैलना और संक्रामक रोगों कीटों और रोगाणुओं के फैलने पर नियंत्रण और आवारा जो पशु होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं उन पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। डिजीज विल बी कंट्रोल पब्लिक हेल्थ will improve capacity of work will increase and burden of patient on hospital will decline। रोग नियंत्रित होंगे यानी बीमारियां कंट्रोल हो सकती है। जन स्वास्थ्य में सुधार होगा। श्रम करने की क्षमता लोगों की बढ़ेगी और अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द आउटफ्लो ऑफ पॉइजनस एलिमेंट्स वाटर पॉल्यूशन विल डिक्लाइन। जहरीले पदार्थों की निकासी जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो पानी में जाकर जल प्रदूषण की प्रॉब्लम फैलाते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। चीप एंड क्वालिटी ऑर्गेनिक मैनर विल बी अवेलेबल। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज विल इंक्रीज एंड देयर विल बी मोर क्रॉप्स। सस्ता और अच्छा वनस्पति खाद मिलेगा जिससे कि कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और पैदावार भी बढ़ेगी। चीप एनर्जी विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ड्यू टू विच एक्सपेंसिव ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विल बी
रिड्यूस, बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे बिजली उत्पादन वह कम होगा। जैसे हम इस कचरे प्रबंधन की बात कर रहे हैं कि कैसे उसको रिसाइकिल करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल विल बी अवेलेबल ड्यू टू विच रिसाइकिल्ड गुड विल बिकेम चीप, कच्चा माल मिलेगा जिससे पुनः चक्रणीय पदार्थों से बनी वस्तुएं सस्ती मिलेगी। ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, इनकम विल ऑल्सो भी इंक्रीज, कार्यों में वृद्धि होने पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे, आय में भी वृद्धि होगी। अवेलेबिलिटीज ऑफ प्रीशियस मेटल विल इंक्रीज, कीमती धातुओं की उपलब्धि कम होती है, उपलब्धि होती है। फिर है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैनिटेशन इज अ ह्यूमन वैल्यू, स्वच्छ रहना मानव जीवन मूल्य है। सैनिटेशन रेफर्स रिमूविंग ऑल टाइप्स ऑफ डर्ट एंड लीड अ हेल्दी एंड कम्फर्टेबल लाइफ, सभी प्रकार की गंदगी को दूर करना, निरोग रहना और आरामदायक जीवन जीना क्या है, स्वच्छता है। सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेज एंड यूरिन वेस्ट इंक्लूडिंग इन सैनिटेशन, स्वच्छता में मानव के मलमूत्र कचरे का सुरक्षित डिस्पोजल करना आता है, यानी निस्तारण होता है। फिर वाटर एयर ह्यूमन हेल्थ आर नेगेटिव इम्पैक्टेड बाय द वेस्ट, कचरे से जल वायु मानव स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रूरल्स एंड अर्बन सैनिटेशंस कैंपेन, भारत सरकार ने ग्राम स्वच्छता और शहरी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरू किए हैं। सॉलिड वेस्ट इज अ वेरी प्रॉब्लम्स इन सिटीज़, ठोस कचरा शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू वेस्ट डिस्पोजल विदाउट नेगेटिव इफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस पर डाले बिना कूड़े का जो डिस्पोजल करना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फंक्शन ऑन द थ्योरी ऑफ थ्री, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल, कचरा प्रबंधन कार्यक्रम तीन बातों पर काम करता है, जैसे रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी दोबारा उपयोग करना, रिसाइकिलिंग यानी पुनःचक्रण। थ्रू द वेस्ट मैनेजमेंट रॉ मटेरियल एंड एनर्जी सोर्सेज आर रीऑब्टेनेबल, कचरा प्रबंधन से कचरा माल और ऊर्जा साधनों की पुनः प्राप्ति होती है। गुड मैनर इज ऑब्टेन फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए अच्छा खाद्य प्राप्त होता है।